नमस्कार दोस्तों, शम कला सिंह में आपका स्वागत है। मैं सुरेश कुमार एक बार फिर से आपके साथ। और दोस्तों, आज आपको बताएंगे कि अगर आपकी आईटीआई कंप्लीट होने वाली है तो आप आईटीआई के बाद में क्या करें, क्योंकि दोस्तों बहुत से बच्चे होते हैं जिनको गाइड करने वाले नहीं मिलते हैं और वो आईटीआई के बाद में भटकते रहते हैं। तो मैं आज आपको ऐसी चीज़ें आपके साथ शेयर करूंगा जिससे कि अगर आपकी स्टडी में रुचि है तो आप उस हिसाब से काम करो, अगर आपकी प्रैक्टिकल में रुचि है तो आप उस हिसाब से काम करो। तो आज मैं बता रहा हूं, अगर आपकी आईटीआई पूरी होने वाली है तो यह वीडियो अवश्य देखें। क्यों देखें दोस्तों? क्योंकि आईटीआई कंप्लीट होती है, आपको वर्क करना है, काम करना है। और आईटीआई के बाद क्या करें, यानी आईटीआई के बाद आपको क्या करना है, जॉब करना है, अप्रेंटिस करना है, सीटीआई करना है, डिप्लोमा करना है। चुने जो आपके लिए बेहतर है, यानी जो आपके फ्यूचर के लिए बेहतर है वो चीज़ आपको चुनना है। अब मैं आपके साथ शेयर करूंगा और आपको पूरी चीज़ें विस्तार से बताऊंगा, क्योंकि बहुत से बच्चों की है जिनके अभी सेकेंड ईयर की एग्जाम चल रही है या सेमेस्टर की एग्जाम चल रही है, जैसे उनके आईटीआई क्लियर हो जाएगी तो उसके बाद उनको कुछ ना कुछ तो करना है। तो यही चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करूंगा। तो दोस्तों, अगर चैनल को पहली बार विजिट करे हो तो सब्सक्राइब जरूर करना। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो यार इसको लाइक जरूर करना, अपने दोस्तों के साथ अधिक से शेयर करना। क्योंकि दोस्तों यारो, क्योंकि आईटीआई के बाद में गाइडलाइन करना बहुत ज़रूरी है, और बच्चों को गाइड नहीं करते हैं इसके कारण वो भटकते रहते हैं। क्योंकि ये कन्फर्म है कि जो बंदा आईटीआई कर लिया वह कन्फर्म जॉब लग सकता है, लेकिन मुख्य कारण हो जाता है कि उनको गाइड करने वाला कोई मिलता नहीं है। तो आज हम यही सोच के आपके साथ ये वीडियो शेयर कर रहे हैं, क्योंकि बहुत से बच्चे जिनकी आईटीआई कंप्लीट हो चुकी है या होने वाली है, तो हम आपके फ्यूचर के लिए आप ये वीडियो शेयर करें। तो स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा वक्त खराब ना करें। और देखो दोस्तों, पहला पॉइंट लेके आए आपके लिए, अपनी क्षमता के अनुसार आगे का रास्ता चुने। यानी आप अपनी क्षमता पर डिपेंड करो कि आगे आपको क्या चुनना है। अब बच्चे आईटीआई में सुनते हैं, उनके टीचर लोग बोलते हैं कि अप्रेंटिस, प्राइवेट जॉब, सीटीआई या सीआईटीएस, डिप्लोमा या गवर्नमेंट जॉब। तो सबसे पहले मैं बता रहा हूँ आपको अप्रेंटिस। दोस्तों, आपको आईटीआई के बाद अप्रेंटिस करना चाहिए। क्यों? क्योंकि बहुत से बच्चे हैं वो बोलते हैं सर हमें अप्रेंटिस करना है। अब दोस्तों, अप्रेंटिस होती है वो होती है 10th+ आईटीआई की परसेंटेज के आधार पर, वहां पर सिलेक्शन होता है, या आपके आईटीआई की परसेंटेज के आधार पर सिलेक्शन होता है। वो ओनली एक तरह का 1 साल या 2 साल का ट्रेनिंग होता है, उसमें आपको कुछ पेमेंट दिया जाता है। इस प्रकार पूरी चीज़ आगे डिटेल से बताएंगे। एक बार ये चीज़ें आपके 5 पॉइंट ये क्लियर कर ले, फिर इनके बाद में जैसे अप्रेंटिस है, अप्रेंटिस के बारे में बताएंगे, प्राइवेट जॉब वगैरह, प्राइवेट जॉब की हर चीज़ पूरी विस्तार से बताएंगे। क्योंकि वीडियो अगर लंबा बने तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पूरी चीज़ आपको विस्तार से समझें। तो दोस्तों, वीडियो में लास्ट जरूर बने रहना, क्योंकि बहुत सी ऐसी चीज़ है जो आज आपको पहली बार सीखने को मिल रही है। आगे प्राइवेट जॉब, प्राइवेट जॉब कुछ भी हो सके, आपकी प्राइवेट कंपनी हो गई या प्राइवेट आपको प्राइवेट आपकी आईटीआई हो गई, ऐसे में आप जॉब कर सकते हो। सीटीआई या सीआईटीएस, अब दोस्तों सीटीआई या सीआईटीएस क्या होती है, यानी जैसे ही जिस बंदे की आईटीआई करने के बाद में टीचर बनने का ख्वाब है या उसकी रुचि है, तो वह सीटीआई, यानी जैसे हम बीए के बाद या बीएससी या बीकॉम के बाद में बीएड करते हैं, वैसे आपकी सीटीआई थी 1 साल का कोर्स होता है और ये भी एनसीवीटी मान्यता प्राप्त होता है। ज़्यादातर इंडिया में इसके आपके गवर्नमेंट संस्थान है, प्राइवेट संस्थान बहुत कम है, तो आप आसानी से इसको कर आगे क्लियर बताएंगे। डिप्लोमा यानी आपका पोलोटेक आईटीआई कर सकते हो, और गवर्नमेंट जॉब यानी गवर्नमेंट की जॉब आप किस प्रकार, तो पूरी चीज़ क्लियर बताएंगे। तो अब आपका पहला पॉइंट लेके आ रहे हैं हम, अप्रेंटिस ट्रेनिंग, यानी अप्रेंटिस की ट्रेनिंग किस प्रकार हम कैसे करते हैं। तो दोस्तों, मैं आपका पहले क्लियर करता हूँ कि अगर आप अप्रेंटिस करना चाहते हो, अप्रेंटिस ट्रेनिंग बना दो, तो क्लियर करता हूँ गवर्नमेंट एंड प्राइवेट। अब बच्चों के कन्फ्यूज होता है कि हमें गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से करूँ या प्राइवेट डिपार्टमेंट से अप्रेंटिस करूँ। तो दोस्तों, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट की बात करूँ तो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में बताऊँ आपको कौन कौन सी भर्ती, जैसे आपकी रेलवे आ गया, बिजली बोर्ड आ गया, इसके बाद में आपकी इसरो, बेल, सेल, इन बहुत सी ये लिमिटेड कंपनी है, आपकी सरकारी महारत्न कंपनी मानो, वैसे आपकी रेलवे और आपकी टेक्निकल, ये तो आपके सरकारी हो गई, तो इनमें इनका ट्रेनिंग होता है 1 साल का या 2 साल का। और प्राइवेट की बात करूँ तो प्राइवेट की आपकी कोई भी कंपनी आ गई। अब इसमें प्रॉफिट ये कि अगर आप गवर्नमेंट से कर रहे हो तो गवर्नमेंट का प्रॉफिट आपको यही है दोस्तों, क्योंकि गवर्नमेंट में इसमें आपको अलग से छूट दी जाती है 10 या 20 नंबर की, तो ये करना बहुत ज़रूरी है, 1 या 2 साल का कोर्स होता है। आगे बात करूँ दोस्तों, अब इसमें क्या होता है,
ड्यूरेक्शन यानी इसमें किस प्रकार लिया जाता है, यानी इसमें आपको परसेंटेज के आधार पर लिया जाता है कि आपकी 10वीं प्लस आईटीआई की परसेंटेज, माना कि 10वीं आपकी 60% है, आईटीआई में आपकी लगभग 80% है, तो 60 और 80 कितनी होगी 140 होगी, एरो निकालेंगे तो 70%, तो इस प्रकार इसका सिलेक्शन होता है। अब इसमें पेमेंट की बात हो दोस्तों, तो इसमें पेमेंट यानी स्टेम्प्ट किस में, यानी इसमें पेमेंट मिलता है आपको 8,000 से लेकर 10,000 लगभग इसके बीच में पेमेंट मिलता है और आपको शिकायत जाता है। आगे एनसीयूटी सर्टिफिकेट, अब इसमें आपको एनसीयूटी सर्टिफिकेट जिस प्रकार आपको आईटी से एनसीयूटी सर्टिफिकेट मिलता है, इसी प्रकार ये अप्रेंटिस का कोर्स करने के बाद में आपको सर्टिफिकेट मिलता है। आगे एटीसी, अब एटीसी क्या होता है, यानी आपका अप्रेंटिस ट्रेनिंग सर्टिफिकेट, जैसे ही आप अप्रेंटिस करके आओगे तो साल या दो साल तो आपको वो आपकी जो गवर्नमेंट संस्था या प्राइवेट है वो आपको ये डिप्लोमा या आपका एटीसी आपको बना के देगी। आगे दोस्तों, अगर आप अप्रेंटिस ही करना चाहते हो तो सबसे पहले आप अपने नज़दीकी ईमेल या अपने खुद के मोबाइल में www.apprenticeship.government.com पर आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हो, ठीक है दोस्तों। तो इस प्रकार आपकी अप्रेंटिस हो, मेरे साथ अप्रेंटिस में आपको किसी प्रकार की दिक्कत नहीं है। अब बात करो दूसरी जॉब को, प्राइवेट जॉब, अब प्राइवेट की बात करो दोस्तों, तो प्राइवेट में स्टार्टिंग सैलरी अप्रोक्स रखा जाता है आपकी 8,000 से लेकर 14,000, यानी आप अगर किसी संस्था में मान लीजिए कि टीचिंग के लिए जा रहे हो प्राइवेट के लिए, तो वहाँ पर आपको आसानी से 8,000 से 14,000 का अप्रोक्स मिल जाता है। और प्राइवेट में लगभग सभी बच्चे स्टार्टिंग वही करते हैं, जो वहाँ पर बेसिक आपको एक्सपीरियंस मिल जाता है, ठीक है दोस्तों। अब आगे बात करूँ प्राइवेट में, तो लगभग 90% लोग प्राइवेट जॉब करते हैं। आप जैसे आपने आईटीआई के लिए किसी किसी में रुचि है, तो लगभग 90% लोग प्राइवेट जॉब करते हैं। आईटीआई को प्राइवेट जॉब आसानी से मिल जाता है, और जो बंदा आईटीआई कर लेता है उसको मेरे हिसाब से प्राइवेट जॉब में किसी प्रकार की दिक्कत नहीं। अब आप वैसे ही कह रहा हूँ तो अलग बात। हाँ दोस्तों, अप्रेंटिस के लिए बता दूँ, अगर आपके नज़दीक कोई गवर्नमेंट आईटीआई है तो उनका डायरेक्ट वो लिंक होता है, तो आप गवर्नमेंट आईटीआई में जाके वहाँ पर पूछ सकते हो, तो वहाँ पर प्लेसमेंट लगते हैं गवर्नमेंट आईटीआई में आपके अप्रेंटिस के लिए, तो वहाँ से आप डायरेक्ट संपर्क कर सकते हो। आप ये ना सोचो कि हमारे कॉलेज में प्लेसमेंट होगा तो ही हमारा, नहीं दोस्तों, वैसे अखबार वगैरह में आती है कि आज कहाँ पर प्लेसमेंट है, आज कहाँ पर प्लेसमेंट है, अलग अलग जगहों पर अलग अलग प्लेसमेंट किया जाता है। आगे बात करें दोस्तों आपका, तो आगे है दोस्तों आपके CTI या CITS। अब CTI या CTI क्या होती है, ये आपका जैसे आप ग्रेजुएशन करने के बाद में बीएड करते हो, उसी प्रकार ITI करने के बाद में आप CTI या CITS कोर्स कर सकते हो। अब इसमें क्या होता है दोस्तों, कोर्स डायरेक्शन होता है, यानी एक ईयर का ये कोर्स होता है, और एलिजिबिलिटी यानी इसे कौन कर सकता है, ओनली आईटीआई पास किया हुआ बंदा ही कर सकता है, ठीक है दोस्तों। इसके बाद में बात करूँ दोस्तों, इसको डिप्लोमा बीटेक एमटेक सभी स्टूडेंट ये कर सकते हैं। ये दोस्तों उन्हीं बंदों के लिए किफ़ायती है जिनके लिए जो ओनली गवर्नमेंट टीचर बना रहे थे। आप सोचो कि मैं अदर कहीं पर अगर जॉब के लिए मुझे यहाँ से कुछ प्रॉफिट, तो यहाँ से कुछ, अगर आप इच्छुक हो, एक प्रॉफिट है दोस्तों यहाँ पर CITS या CTI का, यानी इसमें आप जैसे ही आप कर लोगे तो उसके बाद में आप ऑल इंडिया में कहीं पर भी टीचर के लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। दूसरी बात दोस्तों, अप्रोक्स फीस क्या है, अगर आप गवर्नमेंट ITI से CTI कर रहे हो तो वहाँ पर आपकी 2,000 फीस लगेगी मात्र, अगर आप प्राइवेट ITI से CTI कर रहे हो तो वहाँ पर आपकी फीस है 50,000 रुपये। तो गवर्नमेंट ITI में सिलेक्शन के लिए आपको क्या होता है, एक इंटर्नशिप एग्जाम देनी पड़ती है, उसमें जैसे आपका सिलेक्शन होता है उसके बाद में जैसे BED में हम काउंसलिंग कराते हैं, उसी प्रकार हम CTI में काउंसलिंग कराते हैं। दोस्तों जैसे आपकी CTI के फॉर्म स्टार्ट होंगे, यानी अभी क्या चल रहा है आपका मार्च चल रहा है, और जैसे ही आपका मई या जून आएगा तो उस टाइम पे फॉर्म स्टार्ट होगी, हम आपके पास ये इन्फॉर्मेशन और पहुँचा देंगे, ठीक है दोस्तों। तो आप टीचर बन सकते हो। आगे आप ITI में टीचर की नौकरी चाहे तो ही ये कोर्स करें, ये बात भी सही है अगर आप टीचर बनना चाहते हो, क्योंकि दोस्तों आप खुद अंदाजा लगा के देख लो यार, आपके आसपास में कितने बंदे CTI, मेरे हिसाब से मुश्किल से आपको एक या दो बंदे मिलेंगे, तो आपके लिए CTI सबसे बेस्ट मौका है, क्योंकि वहाँ पर आपका CTI भी हो जाएगा साथ ही आपकी तैयारी हो जाएगी। सोचो यार, 2 साल ITI हो गए, 1 साल स्कूल दी, पूरा काम करके चलो, अगर टीचर बने तो आप अन्य गवर्नमेंट में भी जॉब आसानी से लग जाओगे अगर ये कोर्स आपने कर लिया। और साथ ही आजकल तो गवर्नमेंट ITI में या प्राइवेट ITI में जिसके पास CTI है वही बंदा स्टडी करा सकता है, अगर वैसे कोई बंदा है तो उसे, क्योंकि गवर्नमेंट ने रूल निकाल दिया कि भले ही प्राइवेट ITI सरकारी ITI सभी में CTI जो आप सुविधा पे जो टीचर लेते हैं वो इसी प्रकार लेते हैं। आगे बात करें दोस्तों, आपका CTI क्लियर हो चुका है, अब बात करें डिप्लोमा या पोलोटेक। अब बहुत से
ये सोचते हैं कि मैं आईटीआई के बाद डिप्लोमा पॉलिटेक्निकल लूँ। हाँ दोस्तों, ये भी अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, क्योंकि ये आपका लगभग 3 ईयर का कोर्स होता है डिप्लोमा या पॉलिटेक्निक। ठीक, क्योंकि दोस्तों डिप्लोमा से बहुत कम लोग जानते हैं, पॉलिटेक्निक के नाम से ज़्यादातर जानते हैं। अब इसकी डायरेक्शन क्या है, डायरेक्ट सेकेंड ईयर में इसमें एडमिशन, जिस बंदे ने आईटीआई कर लिया वह डायरेक्ट सेकेंड ईयर में इसमें एडमिशन ले सकता है दोस्तों। फॉर आईटीआई पास ओनली 2 ईयर। अब इसमें बेनिफिट क्या होता है दोस्तों, क्योंकि फिर वह हर एग्जाम के लिए एलिजिबिलिटी हो जाते हैं, क्वालिटी हो जाती है, और इसके बाद वो आईटीआई से कंप्लीट आईटीआई जैसी एग्जाम भी दे सकता है। क्योंकि दोस्तों आईटीआई का लेवल बहुत कम है और आपका डिप्लोमा पॉलिटेक्निक का लेवल हाई है, तो फिर आपको इन छोटी मोटी जॉबों में किसी प्रकार की दिक्कत नहीं। तो अगर आप चाहो कि आईटीआई के बाद पॉलिटेक्निक करें तो आप पॉलिटेक्निक भी कर सकते हो, लेकिन गवर्नमेंट आईटीआई से करो, क्योंकि दोस्तों वहाँ सीखने को बहुत मिलता है, प्राइवेट आईटीआई में आजकल इतना कुछ है नहीं। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार ये हो गया। तो दोस्तों अब आपको मैंने लगभग सारी चीज़ें क्लियर कर दी, मेरे हिसाब से आपको किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी। तो दोस्तों अगर आप आईटीआई कर चुके हो या आईटीआई करने वाले हो, तो दोस्तों इन चीज़ों का जरूर ख्याल रखो, और जैसे ही आपके आईटीआई क्लियर हो जाए तो इनमें से एक चीज़ का चॉइस अच्छे से करना, क्योंकि यार ये आपके, आपको भी मालूम है आईटीआई आपके लगभग लास्ट स्टेज है, इसके बाद में आपको कुछ ना कुछ जरूर करना है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, आपका अपना कीमती समय देने के लिए तहे दिल से धन्यवाद। ऐसे ही मोटिवेशन वीडियो हम और आपके साथ शेयर करेंगे। तो आज के लिए दोस्तों बस इतना ही।